हाँ जी, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ जीबी में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ अपनी इस वैन पे, और अभी मैं हिमाचल में हूँ। तो जस्ट अभी मैं पहुंचा ही था रात, तो अभी मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा आज। और अभी मैं कोई अच्छी सी जगह देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी वैन को पार्क करके और बढ़िया सा फूड बना के, जैसे घर पे खाते हैं ना वैसा बना के आज मैं खा लूँ। तो देखता हूँ मुझे, मतलब एक पीसफुल, नीचे पार्किंग तो थी, मिल गई थी, बट वहाँ पे क्या रश है, और मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा पीसफुल जगह मिल जाए और जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कुछ जंगल टाइप सा ऐसा मिल जाए। तो देखते हैं भाई कहाँ मिलेगा। तो देखो भाई, माहौल यहाँ का जीबी का काफ़ी अच्छा माहौल है, बिल्कुल बीच में से नदी जा रही है और नदी के पास में अपने को ऐसे गेस्ट हाउस, होम स्टे, हॉस्टल सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे कैफे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे तो अच्छे अच्छे व्यू हैं कैफे के, जो बने हैं बिल्कुल नदी के किनारों पर बने हुए हैं। और ये देखो, इस टाइप के रूम्स ऊपर जाके होम स्टे ऐसे आपको मिल जाएगा। जैसे आप मेरी राइट साइड में देख रहे हो, ये नदी है और नदी के कॉर्नर में, मतलब जितने भी आपको ये जो घर हैं, होम स्टे हैं, ये सब कुछ आपको कॉटेज है जो आपको मिल जाएंगे रहने के लिए। तो काफ़ी पीसफुल है, जो लोग मतलब भीड़ भड़के और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं हिल एरिया को, तो उनके लिए जीबी काफ़ी अच्छा रहेगा अभी। तो अभी मैं पूरा इसमें, यहाँ पे कुछ ट्रैक भी हैं, वाटरफॉल है, वो धीरे धीरे सारा कवर करूँगा मैं। तो अभी तो जस्ट फर्स्ट डे ही है। तो ये देखो भाई, नीचे कितना सही है भाई। देखो ये सारे जो घर बने हुए हैं ना, ये बिल्कुल नदी के दोनों कॉर्नर वाली साइड पे बने हुए हैं। बिल्कुल ऊपर जाके भी आप होम स्टे ले सकते हो, देखो ऊपर जाके भी आप कैंपिंग एंड ऑल आप कर सकते हो। तो जीबी में एक है जी बाहू लेक, बाहू लेक है। नीचे मार्केट से अबाउट 10 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा अपने को। तो देखो भाई क्या अच्छा व्यू है, मतलब आपको वैसे भी पता है कि मुझे तो एडवेंचर ज़्यादा पसंद होता है, तो वहाँ पे काफ़ी खुला ग्राउंड भी मिलेगा, कैंपिंग बढ़िया कर पाएंगे। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बाहू लेक के लिए, चलता हूँ भाई नीचे। वो मेरे को बिल्कुल सामने आ ही गई है बाहू लेक, ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया अबाउट 10 किलोमीटर है सिर्फ नीचे मार्केट से। तो काफ़ी अच्छा है भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जीबी के बारे में, तो सही प्लेस है रुकने के लिए, कोई शोर शराबा नहीं है, भीड़ भड़का नहीं है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। और ये देखो भाई, खुला ग्राउंड है यहाँ पे, क्या बात है, ये देखो अच्छी जगह है भाई। तो ये है जी बाहू लेक, और देखो बिल्कुल चारों तरफ इसके ऐसे दरख्त मिलेंगे, और यहाँ पे एक आगे मंदिर भी है, वो 2 किलोमीटर का ट्रैक करके अपने को वहाँ पे मंदिर पे भी हम जा सकते हैं, और व्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा मिलेगा अपने को। क्या है कि दिन में कुछ लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में जाने के लिए, बट बोलते हैं कि रात में यहाँ पे कोई नहीं रुकता, सो रात को काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होने वाला है यहाँ पे। तो आज की मेरी कैंपिंग यहीं पे होने वाली है, और अभी मैं कुछ बना के अच्छे से वाला लंच बना के मैं खाने वाला हूँ, मटर वगैरह डाल के अच्छी तरह वो खा के, और आज काम करूँगा, और बाद में एक दो दिन के लिए ना रेस्ट करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। जीबी में गाड़ी लगा के कहीं पे अच्छी सी पार्किंग देख के बस रेस्ट करेंगे, और आपको मैं अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाता रहूँगा, ये नहीं है कि मैं सोए रहूँगा, एक्सप्लोर करेंगे जीबी को अच्छी तरह, यहाँ पे काफ़ी ट्रैक वगैरह काफ़ी कुछ है। सो बने रहे वीडियो के साथ, जो कुछ भी मेरे पास पड़ा है सारा कुछ डाल के आपको मिक्स वेज बना देनी है। अब देखो कितनी क्विक सर्विस करने वाला हूँ, ये पड़े हैं मेरे पास मटर काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं अभी मेरे पास, ये मटर भी पड़े हैं, गाजर भी पड़ी है भाई, नीचे मत जा, नीचे क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ डालेंगे इसमें आपको, एक आलू और ये 2 गाजर जाएंगी, मटर और ये रहा अदरक और ये रही लहसुन, सब प्रॉपर बनाएंगे आज, और ये रही हरी मिर्च, ये रहा टोमेटो,
अभी और क्या चाहिए अपने को, अनियन ये मिल गया अपने को, अनियन। और अभी मैं एक चीज और रहेगी पेंडिंग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहना। ये रही बीन्स, अब बताओ भी मिक्स वेज कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी ना, इतना कुछ डाल देंगे भाई फिर तो अच्छी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। खाना चाहता है तो आ जाओ, जी भी पहुंचना पड़ेगा आपको, और जब तक आप पहुंचोगे तब तक मैं यहाँ पे आपको नहीं मिलूँगा। सो घर पे रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मजाक कर रहा हूँ भाई, घूमा फिरा करो, घर पे तो सारे स्वस्थ ही रहते हैं पता ही है हमें, कोई इशू नहीं। अभी कहाँ गया नाइफ, चक्कू चक्कू, अरे भाई छोटे वाला पता नहीं किधर गया, गुम हो गया, एक और था मेरे पास, ये ना जहाँ तो एकदम से चल जाता है जहाँ चलता ही नहीं है, इसका थोड़ा लफड़ा है। और क्या हाल है, ठीक है जी, खाओगे खाना खाओगे, ठीक है। हमने आपका वो देखा उधर अभी ना, हाँ जी अभी देखा फोन पे ना, अच्छा अच्छा, हाँ भैया तो बहुत दूर पहुँचे, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। आप कहाँ से हो, हम तो हिमाचल से ही हो गया, हिमाचल में कहाँ से, हाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जी, अपना कांगड़ा से, जलंधर से आप, नहीं वैसे मैं बठिंडा से, अच्छा बठिंडा से, हाँ ठीक ठीक ठीक। सेटअप आपका देख लिया हमने फोन पे, अच्छा फोन पे चेक कर लिया सर आपने, फोन पे चेक कर लिया, चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अकेले ही टूर पे निकले हैं, हाँ मैं अकेले ही निकला, क्या बात है, कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, मैंने यही कह सकते हैं पंजाब से शुरू हुआ था, क्या क्या हो गया कवर, और पंजाब से जैसे दिल्ली, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उधर गोवा, केरला, कन्याकुमारी, या इसी में, ठीक है भैया। गाड़ी आपने बढ़िया चूज की हुई है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, ठीक है, और इसकी माइलेज भी ठीक है, माइलेज तो चलो ठीक है, मतलब पेट्रोल पे 1200 cc है तो पावर भी ठीक है, पावर भी ठीक है, हाँ ठीक हो जाती है, जैसे नॉर्मल पेट्रोल वाली है जैसे अपने, और रियल व्हील ड्राइव सबसे मेन मुझे ये चाहिए था, चढ़ जाती है कहीं भी, चढ़ जाती है कोई दिक्कत नहीं आती। अभी आप कांगड़ा वाली साइड से आ रहे हैं, इधर ही नहीं, नहीं चंडीगढ़ से पिकअप है भाई हमारा ना, चंडीगढ़ से था हमारा, इधर ये जिद्दी था, ओके अपना बीड भी लेंगे धर्मशाला का, अच्छा तो इसके बाद आप धर्मशाला जाओगे, हाँ इसके बाद कल निकल जाएंगे बीड भी लेंगे, ओके तो सही है। काजा मार दे भैया जाना, अभी काजा, काजा जाना है, वैसे लास्ट ईयर गया हुआ हूँ मैं, बट वो तो उस टाइम मैंने वो इंडिया ट्रिप शुरू नहीं किया हुआ था, इंडिया ट्रिप मैंने जनवरी में शुरू करा, लद्दाख भी जाना है, लद्दाख की वेट कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि हिमाचल में मैंने सारा कवर करना था एक साइड से प्रॉपर, अभी क्या होगा अभी थोड़ा बीच में स्किप होएगा, अभी इस साइड से आ रहा हूँ मैं अपना, शिमला से होते हुए उधर अपना चैन, साधुपुर, इधर करते अब कसौल, मनाली, तब तक खुलना चाहिए, फिर उसके बाद अपने बीर बिलिंग और धर्मशाला और स्पीति काजा सब करें। इधर से आपको ना बाइक किनौर होते निकलना चाहिए, स्पीति हो जाएगा उसमें, वहीं से ले ले करके और मनाली, स्पीति फिर वो वहाँ से ऊपर नहीं हुआ, खुल गया शायद वो अपने ये जो चंद्रताल से, चंद्रताल खुल गया हुआ शायद, मेरे को नहीं पता, नहीं खुला होगा अभी, वो मैंने देख रहा हूँ थोड़ा ना, वो दिख रहा है कौन गया बस ट्रिप में, बातचीत कर रहे हैं उसमें, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, देखने वाले ने बोलना भी अकेला ही किसे, इसमें तो आ नहीं रहे आप, कोई नहीं, अच्छा अच्छा थोड़ा आगे आओ ना आप, हाँ यहाँ से आओ मेरे पास में, देखने वाले बोलेंगे अकेला ही बातें कर रहे हैं, आवाज तो आ रही है दूसरे बंदे की पर है नहीं है, क्योंकि अभी एक अपना यार दोस्त है ना वो गया हुआ है काजा तक, तो गया था काजा तक तो चल जाता है काम, मेरे को लगता है वो चंद्रताल है ना वो अभी प्रॉपर नहीं, अभी मैं आपको पूछ रहा था ना वो अपना काजा से कभी मनाली गया, ये उस रूट की बात कर रहे हैं वो, कौन जी लाला जी कितने कुंजुम, कुंजुम पास जी जी, जी कुंजुम पास अभी होगा क्लोज, अपनी बाइक का मजा ही उसमें आता है, हां जी उसी उसी रोड पे तो मजा आता है, हां बस वही है, तो नहीं खुला हुआ है, हां कुंजुम में तो भैया गर्मियों में भी बर्फ नहीं सूखती है, वो जो चंद्रताल से आप वो जाते हैं ना आगे मनाली वाली साइड, हां जी हां जी वही वो क्या एडवेंचर है वो, मजा आ जाता है उसमें,
ये है भैया सबसे आपका ये खाने का और सोने का ना हाँ। ये सिस्टम आपका बढ़िया है, कहीं भी दिक्कत हो दिक्कत क्या भी कुछ भी हो जाए हाँ। तो रुक के बंदा मेन चीज़ तो रोटी है सोने का हाँ, सबसे मतलब ट्रैवलिंग में जो आपने चीज ये बोली है ना, एक अपने को खाना और सोना, दो चीजें अपने को सही मिलेगी ना बस कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों चीज मेरे पास है हाँ, वो दोनों चीजें अभी आपका वैन तो हमने वहीं ही देख लिया ना हाँ, आपने तो लाइव ही देख लिया हाँ, लाइव ही देख लिया, अच्छा है। यहाँ पे ज्यादा तो नहीं है ना, बस बाकी ये है कि नेचर अच्छा है यहाँ पर, माहौल अच्छा है यहाँ पर, नहीं यहाँ पे तो गर्मी इतनी नहीं है, जीपी का ना ये माहौल यहाँ का अच्छा है, काफी सही माहौल है यहाँ का, मतलब बड़ा पीसफुल सा है। मैं रुका हुआ था नीचे पहले, फिर मैंने सोचा ये लेक देखते हैं, उन्होंने बोला ये झील नेटवर्क वगैरह भी यहाँ पे ठीक आ रहा है, 5G चल रहा है यहाँ पे, कमाल हो। मेरे को मेन इशू ये नेटवर्क का भी रहता है ना, ठीक है मुझे नेटवर्क मिल जाए। नहीं अभी नहीं खुला है, नहीं खुला ना, अगले महीने से खुल जाएगा। अभी देखो उम्मीद है 15 मई तक अपना लद्दाख शायद खुल जाए, 15 मई तक उम्मीद है। इस बार ना वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, एक बर्फ अभी कल पहले आप यहाँ पे आओ देखने वाले, बात किससे कर रहा हूँ मैं यहाँ आ जाओ ना, पता तो चलेगा बात हो किससे रही है, क्योंकि कल बर्फ पड़ी है ना ऊपर, कौन सी साइड, हाँ मनाली में भी हुई है ना, कल मनाली अटल में हुई है, परसों हुई है, ले लद्दाख ओपन हो जाए फिर एक महीना तो मेरा ले लद्दाख मिल चलेगा। मेरी टोटल काम है जलंधर में करा के यार, फिर काम नहीं, ये मैंने घर पे बुला के कारपेंटर को, अच्छा अच्छा आईडिया अपना ही है सारा मेरा, कैसे कैसे तैयार करनी है, क्या क्या मिस्त्री को बुला लिया था, बाकी पंजाब में तो एक से एक ही है, नहीं बस मिस्त्री को बुलाया अपने, बाकी सारा आइडिया मेरा ही था, ये इसको तैयार कैसे करना है क्या करना है, और उसमें अपने कुछ नहीं करवाया मैंने, सिलेंडर भी इसमें बड़े वाला रखा, छोटे वाला 5 किलो वाला, तो स्टॉक में भी आपके पास ऐसे, वो मेरे सिंगल जाने को खत्म ही नहीं होता, डेढ़ तो दो दो महीने खत्म नहीं होता वो, अच्छा 12 किलो वाला तो बड़े वाला होता है, उसमें पूरी फैमिली एक महीना चल जाता है, मैंने एक जने ने बनाया, मैंने बना लिया, जैसे भैया मान लो कि आप जैसे आपके पास सुविधा आ गई खाने की बार हाँ। तो आप खाएंगे कि खुद ही बनाएंगे खाना, बहुत रेयर खाता हूँ, बहुत ही कम खाता हूँ बाहर से, बहुत ही कम, मतलब बस ये रॉ मटेरियल ही ज़्यादा लेता हूँ मैं, कभी जैसे कल मैंने ट्रैक करा था तो अपने कौन सा वो जलोरी वहाँ वो ट्रैक करके आया, 5 किलोमीटर का ट्रैक था, लंच किया नहीं हुआ था, ऊपर जाके भूख लगी फिर खा लिया, नहीं तो पूरी और करना क्या होता है मुझे, ट्रैवल कर लिया, खाना बना लिया, एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद अभी तो यही इधर ही हूँ, कई दिन 4-5 दिन तो इधर ही रहूँगा, जी भी नहीं अच्छी है जगह, बढ़िया शांति है, शांति है, शांति में रहेंगे, फिर उसके बाद कसौल, हाँ कसौल के बाद मनाली, वो खीर गंगा ट्रैक ओपन होगा अभी, ओपन होगा ट्रैक, ओपन है खीर गंगा ट्रैक, लास्ट टाइम गया था भाई, पर रोड बड़े बुरे हाल है उसके, नहीं वो रोक देंगे ना गाड़ी वहाँ पे अपना, कसौल वाला रोड खराब है, कसौल का रोड बड़ा गंदा, स्किप कर दे ना ना कर दो, क्या गंदी खीर गंगा है मेन देखो ना हाँ, खीर उसका नाम सच में वाकई खीर गंगा है, इसलिए कि जो ऊपर नदी है वो बिल्कुल वाइट है, वो सोच रहा हूँ मैं ट्रैक भी वो खीर गंगा वाला वो भी कर लूँगा, और मणिकरण साहब गुरुद्वारा वहाँ जाऊँगा, बैटरी तो अपनी डबल रखाई होगी इसमें हाँ, एक इन्वर्टर वाली सेपरेट है और जो गाड़ी की है वो अलग है, दो है, मैं जैसे भैया बोल रहे हैं और कुछ नहीं, मेरे को 25-30 लीटर पानी भी होता है मेरा, तो इतना स्टॉक रखता हूँ 15 दिन कहीं फंस भी जाऊँ ना, इतना है हाँ, तेल पेट्रोल भी ऑलमोस्ट मैं जहाँ पंप मिल जाए मैं फुल ही रखता हूँ, हाफ से कम आने नहीं देता इसको मैं, तो बैटरी का बैकअप है अपने पास, 15 मिनट चार्ज कर दी और स्टार्ट कर दी दोबारा फिर वो उसको प्रॉपर फुल कर देती है, अभी देखता हूँ कैसे कर दो, अभी टाइम पड़ा है थोड़ा, अगर इधर हुआ नेटवर्क वगैरह तो इधर भी अच्छा आ रहा है, तो आप यहाँ से निकलते हैं जलोड़ी, जलोड़ी से तक जाते हैं नीचे सैंड, सैंड से सीधा किनौर करते, सैंड तो मैं जा आया,
नीचे से इधर से नारकंडा से तो आ रहा हूं शिमला भाई इधर से आया इधर से आया चैल वाली साइड से होते हुए आया चैल से होते हुए इधर को मैं आया था अपना नारकंडा से इधर कौन सा आता है एक रामपुर नहीं रामपुर तो आगे चले गए रामपुर से पहले खराब कर दिया कुछ नहीं होता क्या हुआ वो पहले मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी अभी लाल मिर्च क्या बोलते हैं उसको नारकंडा से नीचे रखे नारकंडा से नीचे है ना दो के लोरी किंगल किंगल और उसके आगे अब साइंस से होता है भैया इधर कोटा भी लूरी मैं आया बीच बीच में से मैं बीच बीच में से आया मैं सही सीधे रोड नहीं आया था सारा दिन लग गया उसमें चार पाँच घंटे लगे मुझे पहुँचने में पर उसका मजा बहुत था भाई बहुत सही था चल एक चीज और अभी देखो मेरे कितना मेरे को 3 महीने से ज्यादा हो गए जिस जगह पे मैं कैंपिंग करता हूँ ना ये डॉग मुझे मिलते ही मिलते पता नहीं कहाँ से आते हैं ये मुझे नहीं पता किधर से आते हैं चाहे मैं गोवा में था केरला में था जहाँ भी मैंने कैंपिंग की है ना ये मुझे मिले ही मिलेंगे और आके आराम से बैठ जाएंगे कुछ नहीं बोलते बैठे रहेंगे जब तक मैं इधर रहूँगा ना इसको पता चल गया ये देखो पूरा वो फला हुआ है हाँ जी तो अभी कुछ भाई आ गए थे वो थे कैब वाले उनसे काफ़ी टाइम बातचीत चलती रही है ना तो इधर से मौसम हो रखा है पूरा बारिश वाला तो बस अभी जल्दी जल्दी से सब्जी तो मैंने बना के रख दी भैया आपके जैसे आपने देखा ही है ना बातें करते करते मैंने सारा कंप्लीट कर दिया वो तो अभी बस जल्दी जल्दी बना लूँ खाना भी तो ये ना बारिश आ जाए ज़्यादा और बीच में ही रह जाए सब कुछ ठंड हो रखी है भाई बहुत ठंड है सच्ची हाथ वगैरह ना ठर गए हैं बिल्कुल ही और ठंडी चल रही है हवा इसको थोड़ा सा और पास में कर दूँ मैं भाई किसी का कमेंट और मैसेज आया था कि भाई खाना बनाते हुए भी ना वीडियो डालो ले भाई अभी डाल देता हूँ दे देख लो ऐसे बनता है भाई खाना फुल फास्ट सर्विस हाफ एन आवर में तो मैं सब कुछ रोटी सब्जी बना के रेडी कर लेता हूँ ज़्यादा टाइम तो लगने नहीं देता अगर खिचड़ी वगैरह खानी है उसमें तो 15 मिनट ही लगते हैं उसमें तो इतना टाइम भी नहीं लगता उसमें तो बहुत कम टाइम लगता है बहुत ठंड ज़्यादा है अभी ठंड वाला काम थोड़ा सा ख़राब है सो एनी वे कोई चक्कर नहीं है अब जैसी बनेगी बस ना जल्दी जल्दी भी बना ले लिया मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा बना के खा के और पहन के अंदर बारिश शुरू तो हो गई थी बट फिर रुक गई एक बार के लिए अच्छा हुआ रुक गई अब मैं खाना बना लूँगा सब्जी बन गई सब्जी शाम तक भी काम आ जाएगी शाम को देखेंगे कुछ राइस वगैरह या कुछ ऐसा बनाना होगा वो बन जाएगा पोहा बन जाएगा या ओट्स बन जाएंगे शाम को ऐसा कुछ बना के खा लूँगा हाथ ठर गए भाई बहुत ज़्यादा सच्ची भाई बारिश शुरू होगी बस रोटी रहेगी एक ही हाँ जी तो बारिश ना काफ़ी तेज़ हो गई अभी मैं इस चीज़ के नीचे बचा हुआ हूँ और बस ये अभी मैंने बस मुझे मैंने सोचा था कि रायता वगैरह अच्छे से बनाऊँगा बना के खाऊँगा बट नहीं हो पाएगा अभी बस अभी ये है कि जल्दी से यहीं पे खा के और एक बार सारा कुछ पैक करके अंदर रख लूँ क्योंकि अंदर बैठे रहेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं बारिश आती रहे और मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरे को डाउन हिल्स भी जाना होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ा हूँ अभी मैं तो रोड भी कच्चा है पर ज़्यादा बारिश आ गई तो यहीं पे स्टक ना हो जाए तो अभी मैं खा के खाना आगे के लिए निकलता हूँ तो आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो भाई ये मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है जैसे कि आपको पता ही है तो अभी चलते हैं नीचे जीबी वाली साइड में तो पहले मैं खाना वगैरह खा लूँ तो ठीक है जी बाय बाय कैसे लगा आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना।